हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल गुड़िया ब्लॉग में। तो जो आप अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो चलिए कर लेते हैं शुरू वीडियो। तो दो दिन का मिक्स ब्लॉग है ये, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का। तो ये ट्यूसडे का दिन है जहाँ पर मैं सुबह को ना पूरे लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज से मतलब मेरी कल से स्टार्ट हो गई थी ट्रेनिंग, जो कि सुबह को 9 बजे से शाम के 5 बजे तक चलनी है। तो बस उसी के लिए मैं सारे काम फटाफट फटाफट निपटा रही थी। तो लंच की मैंने पूरी तैयारी कर ही दी थी और सफाई भी करनी थी घर की, तो पूरे घर में फटाफट से लगाया पोछा। लंच की तैयारी करने के बाद ही गई मैं पोछा लगाने, क्योंकि फिर मैं पोछा लगा के सीधे नहाने चली जाऊँगी। तो लंच पूरा प्रिपेयर हो चुका है, बस अब मुझको राजमा बनाया था और कद्दू की सब्ज़ी के साथ के लिए बनाए थे मैंने, बनाने थे मुझको परांठे, जो कि दोनों चीज़ें प्रिपेयर थी। और दोपहर में लंच में चावल बनेंगे, जो राजमा बना के रख दिया है, तो चावल उसी टाइम बनेंगे जिस टाइम खाएंगे। टाइम हो रहा है 8:15 का, तो अभी 9:15 तक निकलना है। बस मिनट मेरा काम हो चुका है लगभग, और आज मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, इसलिए फिर मैं आज 9 बजे जाऊँगी। तो अभी मैं नहा के आ रही हूँ और फिर अब मैं बनाऊँगी सीधे खाना। टाइम हो रहा है 8:20, बस हो जाएगा, 15 मिनट में मेरा खाना बन जाएगा, यानी पराठे सेकने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। फिर से आ गई थी मैं किचन में, और जहाँ पर मैंने निकाला है ओट्स, क्योंकि मम्मी पापा जी को कद्दू की सब्ज़ी के साथ पराठा नहीं खाना था, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी उनको प्रॉब्लम कर रही है, तो इसलिए उनको नहीं खाना था। तो उनके लिए मैंने ओट्स बनाया दोनों लोगों के लिए, और हम जो 3 लोग रह गए, मैं, हस्बैंड जी और बेटी, तो तीनों के लिए कद्दू की सब्ज़ी और पराठा। और लंच में हो जाएगा राजमा चावल, और मम्मी पापा जी के लिए बनेगी आलू परवल की सब्ज़ी। तो इतना सब मैंने अभी बना दिया है, तो फिर मैं ना एक बार जब वहाँ पर मेरा लंच ब्रेक हो जाएगा, तो फिर मैं वापस फिर से आऊँगी दिन में। तो बस उस टाइम पे मैं रोटियाँ सेकूँगी और राइस बनाऊँगी, क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है कुछ, नहीं तो वो कर लेती, तो मुझे नहीं आना पड़ता। तो जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग होगी ना, वो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूरी पर है, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, रिक्शे से चली जाती हूँ, रिक्शे से ही आ जाती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी रेडी थी, और मैंने ना क्या किया था, दलिया बनाया हुआ था नाश्ते में कल, तो वो दलिया फ्रिज में बचा रखा हुआ था, काफ़ी सारा था, मतलब 2 लोगों के लायक, हमने नहीं खाया था, तो वो रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा अब इसको वेस्ट करने से अच्छा है इसको आटा में मार के इसके पराठे सेक देती हूँ, तो वही मैंने किया, और उसमें हींग, अजवाइन और थोड़ा प्याज वगैरह कट करके डाला। इतने टेस्टी पराठे बने, क्योंकि मतलब समझ ही नहीं आया उनको किस चीज़ के पराठे हैं, बस टेस्ट टेस्ट में खा लिए सारे पराठे। तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए और बेटी के लिए सेक दिए, मम्मी पापा जी के लिए बना दिया था ओट्स वाला दलिया। और आजकल इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि बस पूछिए मत। और जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, यानी कि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और कल मैं वापस आई थी जब, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने मेरा बेड वीडियो एडिट नहीं हो पाया था, इसलिए मेरा वीडियो पहुंच नहीं पाया। तो वीडियो पहुंच नहीं पाया तो फिर मैंने एक कम्युनिटी पर पोस्ट डाल दिया था, तो दोनों दिन का मैंने मिक्स करके आज ब्लॉग एडिट किया। और आज भी बहुत 4 दिन की ट्रेनिंग है, अभी 1 दिन और बचा हुआ है, तो वो बस वो 15 अगस्त यानी कि जो रिपब्लिक डे होगा ना, इंडिपेंडेंस डे सॉरी, तो उसके बाद होगा। तो फिर हो गया था हमारा खाना पीना सबका, और भी मैंने नहीं खाया था क्योंकि टाइम हो रहा था मेरा तैयार होने का, और निकलना था मुझे 9 बजे तक। तो अभी यहाँ पर टाइम 8:30 का हो रहा था, मतलब 8:35 ऐसे ही हो रहे होंगे। तो मैंने बस खाना पीना सबको दे के, नाश्ता दे के सबको फटाफट किचन किया क्लीन, क्योंकि मैं कभी ऐसे मैसी नहीं छोड़ के जाती हूँ, मुझे बहुत गंदा लगता है, क्योंकि आके मुझे ही किचन में काम करना है, तो गंदा रहेगा तो बहुत गंदा लगेगा। तो पूरा किचन को किया क्लीन फटाफट से, और बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, हाँ इतना कर देती हूँ कि देखने में ख़राब ना लगे। तो बस बर्तन वगैरह रख दिए हैं, वो बाद में होंगे, तो मैं अपना लेके जा रही हूँ नाश्ता। और यहाँ पर बैठ के मैं कर रही थी अपना नाश्ता, और हस्बैंड जी अपना लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे, तो बस हम दोनों लोग निकलेंगे साथ, क्योंकि जहाँ पर वो जाएंगे वहीं पर मैं जाऊँगी। फिर ये क्लिप है लंच की, यानी कि आफ्टर ब्रेक मेरा, जब वहाँ पर ट्रेनिंग में लंच हो गया था, टाइम हो रहा था करीब 1:30 बजे का, और मैं घर आई थी क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने घर पे आके मम्मी और पापा जी के लिए सेकी थी रोटियाँ और बनाई थी राइस,
क्योंकि सुबह को राजमा बना के गई थी और मम्मी ने आलू परवल की सब्ज़ी को छौंक दिया था तो वो भी बन गई थी, यानी कि सबका लंच लगभग हो गया था। और रोटियां सेकने के बाद फिर से मैं वापस चली जाऊंगी। फिर ये क्लिप है वापस आने की शाम के 5 बजे की, जहाँ पर मैं आ गई हूँ शाम को, और अब रेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर। और जब रेस्ट कर लूँगी उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, और आके फिर खाना पीना जो भी होगा वो करूँगी। तो मतलब सुबह से 5 बजे से और शाम के 5 बजे तक नॉन स्टॉप मेरा काम चलता ही रहता है। तो आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो लोग हमेशा कहती हूँ हमेशा की तरह यही कहूँगी, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो ये शाम की मतलब आने के बाद की है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी देर किया था रेस्ट और फिर बनाई थी चाय, क्योंकि बिना चाय के तो रेस्ट हो ही नहीं पाता है, बिना चाय के तो मुझे लगता है एनर्जी नहीं है। मैं बिना चीनी की चाय पीती हूँ बट मैं फिर भी चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर मुझे अदरक कूटने वाला वो जो होता है ना वो दिख नहीं रहा था, तो मैंने चकला बेलन से ही कूट के डालती हूँ। मुझे मतलब मैं अगर किचन में से मतलब घर से 12 घंटे तो नहीं, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक तो इतने देर के लिए बाहर रहूँ तो मेरी किचन में बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। फिर ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि वेडनेसडे आज सुबह की, जहाँ पर मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, और उठ के बस ये इधर दूध गर्म हो रहा है और मुझे दूध का पनीर बनाना था, क्योंकि बेटी ने दूध पिया नहीं था तो दूध काफ़ी सारा बचा हुआ रखा था, तो उसने बोला मामा मेरे लिए पनीर बना देना। तो बस पनीर बनाया, और ये मैंने मूँग भिगोई हुई थी साबुत वाली स्प्राउट बनाने के लिए, उसको छान के साइड में रख दिया। और इधर मुझे बनानी थी आज भरवा शिमला मिर्च, जिसके लिए मैंने आलू कर लिए थे बॉयल और सारी चीज़ें कट कर ली थी, प्याज टमाटर वगैरह, और शिमला मिर्च को अच्छे से साफ़ कर लिया था, उनके डंठल निकाल के अंदर से बीज वगैरह सब निकाल दिए थे, और बस तैयारी पूरी हो गई थी। आलू वगैरह छील लिए थे, अभी मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ इसकी फिलिंग बनाने के लिए। तो इसमें प्याज राई जीरा हींग और करी पत्ता हरी मिर्च टमाटर सारी चीज़ें तेल में डाल के अच्छे से भून ली, और थोड़े से बेसिक मसाले डाले, हल्दी धनिया लाल मिर्च बस यही, और गरम मसाला जो भी आपको पसंद हो वो डालें, और अच्छे से इसको मिक्स करके फिर इसमें आलू डाल के बॉयल डालूँ और अच्छे से मैश कर लें, खूब देर तक भूनें जब तक आलू का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बस भूनने के बाद फिर मैंने निकाल लिया अलग, और भी टाइम हो रहा था यहाँ पर 6 बजे का, यानी कि मैं 5 बजे से लगी हुई थी सारी झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा के, उसके बाद मैं लग गई थी इसी को बनाने में, क्योंकि अभी मैंने पोछा नहीं लगाया था। पोछा लगाती हूँ मैं पूरा लंच प्रिपेयर करके, फिर जब नहाने जाती हूँ उससे 10 मिनट पहले, 10 मिनट में पोछा लग जाता है मेरा, फटाफट लगाती हूँ, क्योंकि इतना अच्छे से तो तभी लग पाता है जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, करीब 1.5 घंटा लगता है अच्छे से पोछा लगाने में। तो अभी मुझे ऐसे ही लगाना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं लगाना है क्योंकि इतना गंदा होता नहीं है। तो बस मैंने मिर्च वगैरह भर के और तेल में रख दी फ्राई होने के लिए, और फिर मैंने सोचा मेरे पास अभी टाइम है तो मैं थोड़ी सी अपनी स्किन केयर भी कर लेती हूँ। तो मैंने बेसन हल्दी दही और नींबू थोड़ा सा मिक्स किया, और एक बनाया फेस पैक, और मैंने अपने फेस पैक लगाया और थोड़ा सा लगाया अपने हस्बैंड जी के, क्योंकि वो इतना भागम भाग रहते हैं, उनकी केयर हो ही नहीं पाती है ना, उनको टाइम नहीं है, बस कहती हूँ कर लो लेकिन उनको टाइम भी नहीं होता है करने का। तो मैंने आज ज़बरदस्ती लगा दिया, 10 मिनट के लिए मैं लगा के बैठ गई, और 10 मिनट तक जब तक बैठी तब तक मैंने अपनी वीडियो वगैरह जो भी मुझे अपडेट करनी थी पोस्ट करनी थी वो की, बस इतने 10 मिनट में। और उसके बाद फिर मैं नहा धो के फिर से आ गई किचन में, और अभी टाइम करीब 8 बजे का हो रहा था। और नहाने के बाद फिर बताया आपको, मेरे घर अभी पूजा हो नहीं रही है, बेटी ही करती है, तो जब वो उठेगी तो वो अपना करेगी सब काम, आजकल हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि घर में जो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जब तक उसका नामकरण नहीं हो जाता तब तक पूजा नहीं होती है, तो बस वही सब चल रहा है। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपना आ गई काम करने, और अब मैं बना रही थी इधर, हाँ मुझे बनाना था अभी नाश्ते के लिए उपमा, तो बस मैं ऊपर से करी पत्ता तोड़ के लाई, प्याज और टमाटर वगैरह कट करके रख लिए थे, मम्मी पापा जी को आज उपमा खाना था, दलिया नहीं खाना था, तो बस सूजी भूनी और फटाफट से बन जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। सूजी भूनने के बाद जितनी मैंने सूजी ली थी उसी का 3 गुना लिया पानी, 3 गुना पानी लेके, और पहले पानी को बॉयल कर लिया सारी चीज़ें भून के, करी पत्ता शिमला मिर्च टमाटर नहीं डाला क्योंकि मम्मी पापा ही टमाटर नहीं खाते हैं, और पानी बॉयल हो गया फिर उसमें डाल दी भुनी हुई सूजी, और हमारा उपमा बनके हो जाता है 10 मिनट में रेडी, इतनी फटाफट से ये नाश्ता बनता है।
और इजी टू डाइजेस्ट, खाने में भी अच्छा। और इसमें ना दालें वगैरह पड़ती हैं, चने की दाल, उड़द की दाल तड़के में, तो वो चीज़ मैं नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मम्मी पापा जी के दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, बुज़ुर्ग हैं इसलिए। बाकी जब हम लोग खाते हैं ना वो नहीं खाते तो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हो गया हमारा उपमा भी रेडी और मम्मी पापा जी को दे दूँगी नाश्ता और साथ में मैं भी कर लूँगी। और हस्बैंड जी अभी तैयार नहीं हुए थे क्योंकि आज थोड़ा सा उनको लेट जाना था। तो ये लीजिए उपमा हो गया हमारा रेडी और इधर शिमला मिर्च भी हो गई है रेडी बिल्कुल लंच के लिए। तो आज मैं बीच में नहीं आऊँगी क्योंकि बीच में बेटी कर लेगी अपना सारा, अपना मैं लंच पैक करके ले जाऊँगी। और आज मैंने कपड़े भी धोए थे काफ़ी सारे क्योंकि कल मेरा मैं गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों परेशान हो गई और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी तो इतनी परेशान हो गई थी तो मैंने आके कोई काम नहीं किया, केवल खाना बनाया था और बारिश भी हो गई थी तो जो कपड़े भीगे पड़े थे तो वो सब मैंने आज सुबह ही डाल दिए। जब तक मैं अपने किचन में काम में लगी रही ना तब तक वो सारे कपड़े भी धुल गए और फटाफट से मैं उनको ड्राई हो गए तो मैंने सोचा इनको फैला भी देती हूँ। तो ये जहाँ जीना मेरा दिखता है ना आपको आंगन में उसी के ऊपर से ये पूरा जाल बंद है क्योंकि हमारे यहाँ ना बंदर बहुत आते हैं, जब बंदर आते हैं तो पूरा जाल बंद करवा रखा है जिससे कि ना हमारे कपड़े आराम से पड़े रहें। तो मशीन में जब कपड़े धोते हैं तो सारे कपड़े एक दूसरे में इकट्ठे हो जाते हैं तो वही सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे तो बड़ा मुश्किल हो रही थी मुझको निकालने में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जितनी जल्दी हो काम करने की ना उतना ही टाइम लगता है, सोचते हैं कि ये काम फटाफट से हो जाए लेकिन वो उतना ही टाइम ले लेता है। फिर यहाँ पर कपड़े वगैरह सब कुछ डालने के बाद और मम्मी पापा जी को तो दे दिया था नाश्ता, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट मतलब 5 से 10 मिनट तसल्ली से बैठूंगी, पसीना सुखाऊंगी क्योंकि काम करते रहो ना काम करते करते इतना पसीना आ जाता है कि कितनी भी मतलब मौसम सही हो लेकिन हमें लगता है हम पसीने में भीगे हुए हैं। फिर मैं पहुंच गई अपनी ट्रेनिंग में जहां पर ट्रेनिंग हो रही थी और इतनी सारी भीड़ और सफोकेशन हो रहा था कि बस पूछिए ही मत। तो यहाँ पर हमारे सर हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर उसके बाद ये हमारा हो गया था लंच ब्रेक जहाँ पर हमारा स्टाफ और बहुत सारी जो और स्कूलों की टीचर्स हैं वो सब बैठे हुए हैं। हम लोग बस लंच कर लिया था, अब थोड़ी देर का रेस्ट हो रहा था यहाँ पर क्योंकि लंच ब्रेक के बाद फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी बना लेते हैं जिससे मेरी के ब्लॉग में काम आएगा। तो ये मेरी ननद जी है जो मेरे साथ ही ट्रेनिंग कर रही थी, फिर ये क्लिप है वापस आने की। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ और चने खा रही हूँ भुने हुए। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।